क्लास आज हम जो हॉर्स ड्रॉ करना सीखने वाले हैं वो आपके बुक में मेमोरी ड्राइंग के बुक में ही पेज नंबर 18 पे है। तो इसी हॉर्स को हम ड्रॉ करना सीखेंगे अभी और कैसे शेड डालेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपने शायद ये हॉर्स ड्रॉ किया है, इनफैक्ट किया ही है क्योंकि आपके प्रोजेक्ट वर्क में ये था। तो अभी के लिए आप सबसे ईजली से और ईजली कैसे ड्रॉ कर सकते हो वो हम देखेंगे और हमें क्या सपोर्टिंग शेप्स की ज़रूरत है हॉर्स के लिए वो देखेंगे। तो हॉर्स के लिए जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोर्टिंग शेप में एक सर्कल ले रहे हैं, ठीक है, और एक कुछ ऐसा शेप लेंगे। ये हमने कुछ टू ओवल्स और वन सर्कल के हेल्प से हमने इसके सपोर्टिंग शेप के लिए ड्रॉ किया इसे। अभी हम जस्ट इसके ऊपर ही थोड़े से और एक सर्कल लेंगे और उसके नीचे एक और सर्कल। अभी हमें हॉर्स के लेग्स के लिए, उनके लेग्स किस मोमेंट में है ये डिपेंड करता है, तो उसके लिए हमने लाइन ड्रॉ करनी है। सेकेंड लेग के लिए जिस मोमेंट में अगर लेग्स हैं उसी मोमेंट्स में हम लाइन को ड्रॉ करेंगे। और जी हमारा जो इसके सेकेंड इसके पेट हैं, अच्छा लगभग हमारा क्या है हॉर्स के लिए जो सपोर्टिंग शेप था हमारा वो तैयार है। अब हॉर्स को इसमें नेस्ट हम कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखेंगे। तो जो हॉर्स है उसके लिए इनके लेग्स को यहीं से ड्रॉ कर रहे हैं। सेकेंड में हम इस एरिया में और इसके नेक्स्ट पैर हमने उसका सेकेंड लेग्स भी उसके ड्रॉ कर लिए। अब जी इसका जो लास्ट लेग है वो हम ये हमने उसकी लेग्स लगभग जो हमारे थे उसे हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम इसके ऊपर के पार्ट में ये हॉर्स के टेल्स जो हैं जहाँ आके हमें एक लाइन से ये आप मिलाओगे और नेक्स्ट ऐसे भी, तो यहाँ हम
जी हमारा हॉर्स। तो आप देखो हमने जो हॉर्स था उसके स्केचिंग कंप्लीट कर ली। क्लास आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने हॉर्स में कैसे हमें शेड डालना है वो हम करेंगे। आप यहाँ तक हॉर्स को ड्रॉ करके और उसके सपोर्टिंग लाइंस जो हैं उन्हें क्लियर कर लोगे। आप सपोर्टिंग लाइंस को क्लियर करके और हॉर्स को इस तरह ड्रॉ करके रखोगे। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि कैसे हमें इसमें सेट्स डालने हैं। सो क्लास आज के लिए थैंक यू। सो क्लास अभी तक हमने हॉर्स को ड्रॉ करना इस तरह सीखा था। आई होप आपने अपनी कॉपीज पर हॉर्स को ड्रॉ कर लिया होगा। आज हम अभी फिर देखेंगे इसमें कि हमें शेड्स कैसे डालने हैं। शेड्स के लिए आप जिस तरह बुक में आपके हॉर्स को लेके शेड डाला गया है आप बस उसी स्टेप को फॉलो करेंगे। तो हमें कुछ हैचिंग की तरह ही वन साइड से लाइंस को डालते हुए शेड्स डालने हैं। शेडिंग के लिए सबसे पहले हम भी फर्स्ट लेयर से हल्के पेंसिल से डालना है। यहाँ मैं 4B पेंसिल यूज़ कर रही हूँ।
अभी हम थोड़े से डार्क पेंसिल्स की लेंगे, 6B या 8B। और हम सो हम फाइनली इसका लुक मतलब फाइनल एक टच आप पेंसिल से देते जाओगे।
सो क्लास हमारा जो हॉर्स था हमने शेड डाल के उसे कंप्लीट कर लिया। आप सब अपने कॉपीज पे फेयर कॉपीज पे आप इसे ड्रॉ करके शेड डालोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।